गुड मॉर्निंग दोस्तों, रीड मैसेज में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 7 में पढ़ रहे थे रेखा एवं कोण। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी 5 पॉइंट 2 पर्सनली रेखा एवं कोण के बारे में, जिसके अंदर हम जो समांतर रेखाएं होते हैं या असमांतर रेखाएं, उनको कोई भी एक रेखा यदि प्रतिच्छेद करती है तो उनमें कौन कौन से कोण बनते हैं, उसी पर हमारी 5 पॉइंट 2 आधारित है। तो चलते हैं हमारी 5 पॉइंट 2 का पहला दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इनमें देखो, पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गुणधर्मों का वर्णन करो। यानी इसके ये जो रेखाएँ दे रखी है, दो रेखाएँ हैं जो क्या आपस में समांतर है। ये जो रेखाएं आपस में समांतर है, पहली वाली रेखा ए है और दूसरी वाली रेखा बी है। देखो ये चिन्ह होता है ना बीच में, बिल्कुल ये तो बराबर का चिन्ह होता है, और इसी चिन्ह को यदि ऐसे खड़ा कर दिया जाए तो ये रेखा ये प्रदर्शित करता है समांतर को। तो देखो, यदि ए और बी समांतर है तो 1 और 5, यदि ए और बी समांतर है तो देखो कोण 1 यहाँ पे है, कोण 5 यहाँ पे है। तो कोण 1 और 5 क्या होंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कोण 1 और 5 संगत कोणों के, यहाँ पे संगत कोणों के युग्म, कोण 1 और 5 होंगे संगत कोणों के युग्म होंगे। उसके बाद देखो, यदि कोण 4 और 6 बराबर है, कोण देखो 4 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो कोण ए और बी क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कोण। यदि ये ए और बी क्या है, समांतर है, ये रेखा है तो क्या है, समांतर। तो 4 और 6 के बारे में पूछ रहे, तो ये कहलाएंगे एकांतर, एकांतर कोण गुणधर्म। देखो गुणधर्म पूछ रहा है ना, तो ये कहलाएगा एकांतर कोण गुणधर्म। इसके बाद देखो, यदि 4 और 5 बराबर 180 डिग्री है, 4 और 5 बराबर 180 डिग्री, देखो 4 और 5 ए की तरफ बने हुए कोण है ना, तो देख क्या कहलाएगी, यदि ए और बी समांतर रेखा है, तो देखो यानी दो समांतर रेखाओं को कोई यदि तिरछेदी रेखा प्रतिच्छेदी करते हैं तो एक ही ओर एक ही और बने कोण क्या कहलाएंगे, यहाँ पे समपूरक, समपूरक कोण कहलाएंगे। यह रहेगा इसके आंसर। यह हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में देखो, ए और बी दो समांतर रेखाएं दे रही है, उसको एक तिरछी त्रिरेखा का काट रही है, तो इसमें पूछ रहा है संगत कोणों का युग्म कौन कौन सा है। तो इसमें देखो, हमने जो पहला देखो आंसर दिया था कोण 1 बराबर 5, यानी कोण 1 बराबर कोण 5 दिया था। तो इसमें देखो संगत कोणों के युग्म आप लोग आराम से बता सकते हो, इसको देखते हुए संगत कोणों के युग्म देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कोण 1 के बराबर क्या है, 5, कोण 1 और कोण 5, 1 तो ये हो गया। ये देखो कोण 1 और कोण 5, 1 हो गया। उसके बाद देखो कोण 4 और कोण हो गया 8, कोण 4 और कोण 8, तो दूसरा युग्म कौन सा लगेगा, कोण 4 और कोण 8, 2 तो ये हो गए, ये हो गए संगत कोणों के। इसके बाद देखो, ये भी एक साइड बन रहे हैं, जैसे 2 और 6 एक तरफ बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा कोण 2 और कोण 6। और इसके बाद एक और बच रहा है कोण 3 और कोण 7, तो देखो इसको भी लिख देता हूँ कोण 3 और कोण 7। देखो इसको ध्यान से देखना, संगत कोण क्या कहलाते हैं, कोई भी दो रेखाएं समांतर है, उसको कोई भी एक तिरछी रेखा काट रही है, तो देखो ये 4 और ये 8 क्या हो गया संगत कोण, 1 और 5 क्या हो गया संगत कोण, 3 और ये क्या देखा 7 हो गया संगत कोण, 2 और 6 हो गया संगत कोण। अब देखो अंत है एकांतर कोणों का युग्म। एकांतर कोण देखो, कोई भी दो समांतर रेखाएं यहाँ पे जेड का वो निशान बनता है ना, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कहलाएंगे। अब जेड उल्टा हो सुलटा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोण और ये कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। देखो अब इसमें मैं यदि इसको इधर से मिटा लूँ और इसको इधर से मिटा लूँ, तो जेड क्या करती दिखाई दे रही होगी, तो कोण 2 और 8 क्या कहलाएंगे, आपके एकांतर कोणों के युग्म कहलाएंगे। तो कोण 2 और 8, कोण 2 के बाद में कोण 8, 1 तो ये हो गया एकांतर युग्म। यानी जेड क्या करती बन रही है, देखो कोण और 2 8 में जेड क्या करती बन रही है। इसी प्रकार कोण 3 और 5 की, देखो कोण 3 इधर है 5 इधर है, ये वाली आकृति बनेगी ना, तो इसमें दूसरा युग्म कौन सा होगा, कोण 3 और कोण 5, ये दो युग्म हो गए जो अंत एकांतर कोणों के युग्म है। इसके बाद देखो, तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंत कोणों का युग्म बताना है। ये जो तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा उसके एक की तरफ बने हुए अंतकोण युग्म, अंतकोण मतलब अंदर की तरफ। देखो ये तिर्यक रेखा खींच रही है, इसके अंदर कौन कौन से कोण बन रहे हैं, 2 बन रहा है और 5 बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण 2 और कोण 5।
हो गया। उसके बाद देखो कोण दो और पाँच के बाद में अंत है, यानी एक की तरफ बनने वाले कोण, कोण तीन और आठ, तो ये दूसरा जोड़ा हो गया कोण तीन और कोण आठ। उसके बाद चलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, मतलब जो आमने सामने कोण होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे देखो कोण एक तीन, कोण चार दो, आठ छः पाँच सात, ये सब क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखो एक के विपरीत साइड में कौन सा है, कोण तीन, कोण एक के विपरीत साइड में कोण तीन। उसके बाद कोण दो के चार, कोण दो के यहाँ कोण चार। इसके बाद देखो कोण पाँच के कोण सात, कोण पाँच के कोण सात। और इसके बाद कोण छः के कोण आठ, कोण छः कोण आठ। ये हो गए शीर्षाभिमुख अंतःकोण। तो इसी प्रकार हमारा प्रश्न नंबर एक दो यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर तीन में। प्रश्न नंबर तीन क्या है कि यदि पी और क्यू क्या है, समांतर रेखाएं। ये तो देखो ये पी है और ये क्यू है, ये दो रेखाएं हैं जो कि आपस में समांतर है। ये बराबर का चिन्ह यदि खड़ा में आ जाए तो आपको लोगों को पहचान लेनी है दो रेखाएँ हैं और क्या दी हुई है, समांतर दी हुई है। इसके बाद देखो ये दोनों क्या है, समांतर, और इसको एक तिरछी रेखा काट रही है और एक कोण दिया हुआ केवल 125। अब देखो यहाँ पे 125 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो देखो ये कोण क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाते हैं। एक रेखा के ए पी ए की तरफ बने हुए कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। तो 125 प्लस ई बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। 125 डिग्री प्लस ई बराबर कितना, 180 डिग्री होना चाहिए। तो अभी यदि ई का मान निकालना, तो 180 में से मैं घटा रहा हूँ 125 डिग्री। तो देखो 180 में से जब 125 डिग्री जाता है तो देखो 5 और यहाँ पे कितना आएगा 5, यानी कितना आएगा 55 डिग्री। ई बराबर 55 डिग्री, ई बराबर 55 डिग्री है। तो देखो कोई भी दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण, यानी हमने ये इधर एक की तरफ मतलब विपरीत दिशा में बने हुए कोण क्या कहलाएंगे, बराबर कहलाएंगे। यदि ई बराबर 55 डिग्री है तो एफ बराबर कितने होंगे, एफ बराबर भी क्या होगा, 55 डिग्री। इसके बाद में ये देखो, इसको मैं वो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जेड वाली आकृति, जैसे जेड वाली आकृति देखो ये ऐसे कोण जाके ऐसे, कोण जाके ऐसे, ऐसे जेड वाली आकृति में तो कोण ए बराबर कोण सी बराबर कोण एफ, चारों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन कौन से, कोण ए बराबर कोण सी बराबर कोण ई बराबर कोण एफ, ये चारों बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे, ये कोण होंगे 55 डिग्री। तो इसका मतलब ए और सी का मान भी क्या आ गया, 55 डिग्री। कोण ए बराबर भी 55 डिग्री और कोण सी बराबर भी 55 डिग्री। उसके बाद में जैसे ये कोण 125 का है ना, तो ये डी वाला कोण भी 125 का होगा और बी वाला भी 125 का होगा। तो D बराबर 125 डिग्री और ये कौन सा है, B बराबर क्या आएगा, 125 डिग्री। अब इसके बाद प्रश्न नंबर चार में भी वही है, L और M क्या दे रखी है, समांतर रेखा दे रही है और ये O बी भी समांतर रेखा दे रही है। तो यहाँ पे हमें X का मान बताना है क्या है। अब देखो ये जो सीधी रेखा, एक सीधी रेखा में से कितने डिग्री का कोण बनाती है, हमें पता है कि 180 डिग्री का बनाती है। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से 110 घटाना पड़ेगा, यानी ये कोण X के बराबर होगा क्योंकि एक ही तरफ बन रहे हैं समांतर रेखा होगी। तो X का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 180 में से क्या घटाएंगे, 110 डिग्री घटाएंगे। यहाँ पे बचेगा 70 डिग्री, यानी x बराबर कितना आया, 70 डिग्री इस आकृति में। तो इसके बाद इसकी दूसरी आकृति देखो, ये 100 डिग्री 80 डिग्री। अब देखो इसमें ये कोण मिला के कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है ना। अब देखो ये जो समांतर रेखाएं हैं और ये भी समांतर रेखा है, तो तिरेक रेखा के ए की तरफ बने हुए कोण क्या कहलाएंगे, मतलब देखो ये कहलाते हैं कि जो आमने सामने कोण, ये कोण बराबर कहलाएगा, ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या दिख रहा है, डायरेक्ट 100 डिग्री, x बराबर 100 डिग्री। ये आ गया अपना आंसर। इसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर पाँच में। नंबर पाँच में ये जो दी गई आकृति, ये दो कोण बने हुए हैं, एक तो कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। तो इसमें दी हुई है क्या, भुजाएं इनकी क्या है, आपस में समांतर, ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। तो ये वही हो गया, दो समांतर भुजाएं, उनको कोई भी तिरछी रेखा काट रही है। ए बी सी बराबर, यानी ए बी सी, यानी ये कोण कितने का दे रहा है, 70 डिग्री का। ये कोण 70 डिग्री का दे रखा है। तो देखो अपने को बता दूँ, अपने को कोण ज्ञात, कोण डी जी सी ज्ञात करना है, डी ई एफ ज्ञात करनी है, यानी एक तो जी वाला कोण ज्ञात करना है, ये डी जी सी यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है, और एक कोण ज्ञात करना है डी ई एफ, डी ई एफ ये वाला कोण ज्ञात करना है।
तो यहाँ पे देखो आपको बता दूँ मैं कि जैसे ये कोण है तो ये क्या कहलाएगा, ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक जो है ना सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये बनाती है 180 डिग्री का कोण बनाती है। यदि हमें ये कोण निकालना है तो 180 में इसको घटा देंगे और फिर 180 में से इसको घटाएंगे, ये आएंगे आपस में कितने, मतलब 70 डिग्री का ये आएगा। आप देखो कैसे मैं इसको निकाल रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले देखो ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण, अब देखो यहाँ पे ये जो आकृति यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाती है एकांतर। ये जो आकृति यहाँ से लेके एकांतर कोण, अब देखो इसमें एकांतर कोण, एकांतर कोण कौन कौन से हैं, ये जो ए बी और जी, ए बी जी, ये जो एकांतर कोण है वो किसके बराबर होगा, बी जी और ई के बराबर। कोण बी जी और ई के बराबर होगा, तो कोण बी जी और ई बराबर कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। तो इसका मतलब ये जो कोण है ना, ये कोण ये वाला, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का। हमें क्या उनसे याद करना है, ये कोण याद करना, ये कोण इसके क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण यानी आमने सामने का जिसका मुंह होता है, ये देखो इसके बराबर ये कोण है। तो कोण बी जी ई बराबर कौन सा कोण होगा, ये वाला डी जी सी, कोण डी जी और सी। तो कोण डी जी सी बराबर क्या माना आएगा अपना, 70 डिग्री का। ये जब 70 डिग्री का आ गया, ये जब 70 डिग्री का आ गया, ये देखो 70 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, इसकी संगत है ना, ये देखो ये ए दोनों एक ही तरफ बन रहे हैं ना, तो कौन सा, ये भी कौन सा, ये ई जी ई एफ यानी सॉरी डी ई एफ या जी एफ कुछ भी बोलते हैं इसको, डी ई एफ बराबर भी क्या होगा, तो कोण डी ई एफ बराबर भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। तो देखो दोनों कोण, ये दोनों कोण मांग रहा था, पहला कोण तो ये था अपना और इसके बाद दूसरा कोण ये था, दोनों कोणों का मान क्या आ गया यहाँ पे, 70 डिग्री आ गया। इसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 में। इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, उसमें देखो आकृतियों का निर्णय लीजिए जो क्या एल एम के समांतर है, जो एल रेखा एम के समांतर है या नहीं, हमें ये बताना है। अब देखो दो समांतर रेखाओं के एक ही तरफ बने हुए हैं, अंतकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि इनका योग 180 डिग्री होगा तो ये रेखा समांतर रेखा है अथवा समांतर रेखा नहीं है। तो यहाँ पर देखो मैं जोड़ रहा हूँ 126 प्लस 44 डिग्री है ना, जब इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, देखो 6 और 4 10, 6 7 यानी 170 डिग्री है, जो क्या है 180 के बराबर है क्या नहीं है। अब देखो ये बराबर का चिन्ह लगा के बीच में क्रॉस करना है, इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है, ये दोनों का मान 180 के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, एल व एम समांतर क्या होगी, नहीं है। उसके बाद देखो ये जो कोण बने हैं यहाँ पे, ये वाला 75 और ये 75, यदि ये 75 होता एल ओम समांतर होती तो ये भी 75 होना चाहिए, और 75 75 यानी ये क्या संपूरक कोण होने चाहिए थे, तो संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैं जोड़ रहा हूँ 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री बराबर कितना आएगा, 150 डिग्री। क्या 150 डिग्री 180 डिग्री के बराबर दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या होंगी, एल और एम, एल व एम समांतर नहीं है, तो ये भी क्या होंगी, समांतर नहीं होंगी। इसके बाद देखो ये देखो एल और एम रेखाएं हैं, यदि समांतर है तो ये वाला कोण 57 है, ये वाला कोण 57 है, तो ये वाला कोण कितना होना चाहिए, 123 डिग्री होना चाहिए, जिससे इसको जोड़ने के बाद ये क्या बन जाए, संपूरक कोण बने। यदि मैं इसको इसको जोड़ूँ, यदि 180 आता है तो 57 डिग्री प्लस 123 डिग्री बराबर कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, ये मान के आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एल व एम समांतर है, इसके बारे में कह सकते हैं ये रेखा क्या है, समांतर है। अब इसके बाद देखो ये वाला कोण देखो, यदि L और M समांतर होती, ये कोण 98 था तो ये कोण भी 98 होना चाहिए, और इसका योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो जोड़ के देखते हैं क्या 180 डिग्री होता है, 98 डिग्री प्लस 72 डिग्री बराबर कितना आता है, 8 और 2 10 और 9 7 16 और 1 17, ये होता है 170 डिग्री, और 170 डिग्री 180 के बराबर तो नहीं है ना, 10 डिग्री कम है ना। तो देखो ये भी क्या होंगे, L और M क्या है, समांतर नहीं है, L व M समांतर नहीं है।
तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली पांचवी ये रेखा एम कोण समाप्त होती है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।